हाय दिस इज तुषार एंड टुडेस वर्ड एक्चुअली आई हैव बीन आस्क्ड फॉर दिस वर्ड. आज का जो वर्ड है मुझसे पूछा गया है, सो आई थॉट दैट कि सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, हम जो वर्ड्स ले रहे हैं वो दो तरीके से ले रहे हैं, एक थोड़े से नॉर्मल, एक थोड़े से अच्छे लेवल के, क्योंकि बैलेंस जरूर बना रहना चाहिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग, हम केवल ले उन्हीं वर्ड्स को ले रहे हैं जो जेन्युइनली हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उनको पढ़ने से कोई सेंस ही नहीं है. सो आज का जो वर्ड है वो है रेकलेस. रेकलेस होता क्या है एक्चुअली, एक पर्सन को कहा जाता है, वो पर्सन जो वर्क तो करता है बट अपने जो उसके वर्क करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे उसकी चिंता नहीं करता, मीन्स उसके परिणाम क्या होंगे. अब ये गीता वाली लाइन नहीं कि आप कर्म करो बट फल की चिंता मत करो, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट. ये एक नेगेटिव वर्ड है, मीन्स सपोज करो आप गाड़ी बहुत तेज भगा जा रहे हो बिना सोचे कि आपका एक्शन क्या होगा, ठीक है. कल आपका पेपर है, आज आप आराम से खेल रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आप फेल हो सकते हो. तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है ना ये. इसका अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो एक तरीके से लापरवाह इंसान को बोला जाता है, रेकलेस. एंड नेक्स्ट थिंग, इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड रहता है, वो रहता है रेकलेसनेस. आपने जो काम करा है, जो लापरवाही दिखाई है, उसे बोला जाता है रेकलेसनेस. तो दोनों तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. रेकलेस के मेन हमारा जो रहेगा, मैं पढ़ रहा था तो सीएटल टाइम्स के अंदर ये चीज़ पढ़ने में आई थी, आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा. यहाँ पे लिखा, ही वॉज अरेस्टेड फॉर रेकलेस ड्राइविंग एंड एक्सेसिव स्पीडिंग. मतलब उसे अरेस्ट किया उसकी एक्सेसिव स्पीडिंग के कारण, तो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, और रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाह होकर वो गाड़ी चला रहा था, तो इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है. सिमिलरली बजट से रिलेटेड भी एक बहुत अच्छा मेरे को उस चीज़ मिली यहाँ पे, आई होप आपको हेल्प करेगी. यहाँ पे लिखा, इट इज़ द मोस्ट, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का, ठीक है, यूएस का, इट इज़ द मोस्ट रेकलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल बजट प्रपोजल इन माई लाइफ टाइम. किसी ने बोला था कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रेकलेस और इरेस्पॉन्सिबल बजट है मेरी लाइफ टाइम का. क्यों? क्योंकि उन्होंने बजट तो तैयार कर दिया बट ऐसा सोचा नहीं कि इस बजट को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, इसके रिजल्ट क्या आएंगे. तो अगर आप भी काम करते हो कोई बिना सोचे समझे कि यार ये सही है गलत है, मेरे को कितनी प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो आप भी रेकलेस हो, और जो आपने काम किया उसे रेकलेसनेस कहा जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच. लव एंड रिस्पेक्ट.